किले तो बहुत देखे होंगे आपने, दिल्ली का लाल किला, आगरे का लाल किला, चित्तौड़गढ़ का बड़ा किला, रणथंभौर का किला, गोलकुंडा का किला, दौलताबाद का किला दक्षिण में, लेकिन कभी पहाड़ों में किले देखे हैं? अरे पहाड़ों में कौन से किले होते हैं? होते हैं पहाड़ों में किले, कई मशहूर किले पहाड़ों में भी हैं। उनमें से एक मशहूर किला है कांगड़ा का किला। कांगड़ा में ऐसा कहते हैं कि जिसने कांगड़ा पे हक जमा लिया उसने उत्तर भारत के पहाड़ों पे हक जमा लिया, है ना बड़ी विचित्र बात। चलो इसको और समझने के लिए नक्शे को देखते हैं। कांगड़ा एक खास जगह बसा है, उसकी लोकेशन बहुत खास है। कांगड़ा जो है पंजाब से बिल्कुल जुड़ता है और पंजाब एक मैदानी इलाका है, बिल्कुल समतल। और पंजाब के शहर लाहौर, मुल्तान, पठानकोट आदि सदियों से अफगानिस्तान, पर्शिया, राजस्थान से आने वाले सैनानियों के लिए या फिर और लोगों के लिए पहाड़ों में जाने का एक मार्ग रहा है। और इसके साथ ही कांगड़ा की पूरी खुली वादियां, आसान ढलान वाले पहाड़ लोगों को हिमालय के ऊंचे इलाकों में आसानी से ले जाते हैं। और साथ ही पहाड़ों में पाए जाने वाले खनिज, लकड़ी, पालतू पशु, ये सब लेने के लिए लोग यहाँ पे हमेशा से आते हैं और आज भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ कांगड़ा उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बीचों बीच बसा है, तो इधर का भी मार्ग मिल गया। एक तरफ है जम्मू कश्मीर और एक तरफ है उत्तराखंड, दोनों जगह जाने का एक आसान रास्ता मिल गया। ये सब देखते हुए यहाँ के स्थानीय कटोच राजपूतों ने सोचा, क्यों ना हम अपना किला बनाए यहाँ पर एक। उन्होंने किला एक ऊंची पहाड़ी पर रखा। उस पहाड़ी से उनको चारों तरफ का नजारा मिलता, यानी कि 360 डिग्री व्यू, कि कहीं से कोई आ तो नहीं रहा, कोई दुश्मन हमला तो नहीं कर रहा है। और नीचे बह रही थी दो नदियां, एक थी बाणगंगा और एक थी माझी, और किले को और मजबूत करता पीछे खड़ा ढौलाधार का पहाड़, बर्फ से ढके हुए उसकी ऊंची ऊंची चोटियां जो इस किले की ढाल बन गए। हिंदुस्तान में किला हो और कहानियां ना हो तो लीजिए पेश है, ये कहा जाता है कि इस किले की बुनियाद महाराज सुशर्म चंद्र ने रखी, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से लड़े थे। एक और कहानी, एक बहुत बड़ा राक्षस, इतना बड़ा कि उसका सर जहाँ कांगड़ा की घाटी, उसकी जीभ ज्वालामुखी माँ का मंदिर और उसकी पीठ जलंधर शहर। जी, राक्षस जलंधर, जिसका वध महादेव शिव ने किया। अब उसके कान जहाँ गिरे हैं वहीं पे तो है कांगड़ा का किला। कान पर खड़ा कांगड़ा। ये किला बहुत मजबूत माना गया हमेशा। 17वीं सदी के एक डॉक्यूमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि ये किला बहुत मजबूत था और एक ऊंचे पर्वत पे बसा हुआ है और कभी इसको कोई फतेह नहीं कर सका, ऐसा ये पुराना डॉक्यूमेंट कहता है। ये किला अपने असीम धन और दौलत के लिए भी बहुत जाना गया। इस पे कई बार हमले हुए। पहला हमला 470 में हुआ, उसके बाद 1009 में मोहम्मद गजनवी ने इसमें जोर का धावा बोला और किले को पूरी तरह से लूट के ले गया। उनके इतिहासकार उर्वी लिखते हैं कि यहां से 7 लाख किलो सोना, करीब 2500 किलो सोने और चांदी की थालियां, कई हजारों किलो सोने की ईंटियां और कई सैकड़ों किलो हीरे जवाहरात लूटकर गजनवी की फौज अपने साथ ले गई। और यहां पे इतना धन था कि उसको ना तो ऊंटों पे लादा जा सकता, ना ही पात्रों में भरा जा सकता, और इसका हिसाब रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इस किले पे बार बार लगातार हमले होते रहे,
मुगल सम्राट अकबर ने इस पर पूरे 52 बार हमला किया। कितनी बार? पूरे 52 बार। लेकिन पूरे 52 बार वो नाकाम रहे। अकबर जैसे सम्राट भी इस किले को हरा नहीं सके। बाद में उनके पुत्र जहांगीर ने इस किले पे कब्जा करा। लेकिन 1789 में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया था तो उन्होंने अपना किला वापस जीता और फिर से कठोर राजपूतों का शासन कायम किया। लेकिन उससे कुछ दशकों बाद सिख सम्राट जो लगातार ताकतवर हो रहे थे, महाराजा राणा रणजीत सिंह ने आके अपना सिक्का जमाया। लेकिन वो भी कुछ साल ही टिक पाए। 1846 में ये किला अंग्रेजों के पास चला गया। और फिर 1905 में आया एक भयंकर भूकंप जिसने ये 100,000 साल से खड़ा किला टूट कर तहस नहस, नहीं 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 नहीं, सारा का सारा नहीं टूटा, अभी भी कुछ बचा है। जैसे द्वार पर ये गंगा और जमुना की खूबसूरत मूर्तियां और दीवार पर नायाब नक्काश। अगर अवशेष इतने सुंदर हैं तो अपने समय पर ये किला कितना सुंदर रहा होगा। एक छोटा सा मंदिर भी है अंबा माई का, शायद इस इलाके का सबसे पुराना मंदिर। वैसे भी इस घाटी में बहुत सारे देवी के मंदिर हैं। नीचे ज्वालामुखी माँ का मंदिर तो है ही, और उसके आगे चिंतपूर्णी, बगुलामुखी, चंडी देवी, और सामने दूसरे पहाड़ पर नगरकोट बज्रेश्वरी का कितना बड़ा मंदिर। शिवजी के भी कई सारे मंदिर हैं, और स्थानीय मंदिर बासुनाग इंद्रनाग के भी कई सारे हैं। ये भी कहा जाता है कि इस किले की शुरुआत कृष्ण जी के पोते ने किया था। अब ऐतिहासिक जुड़ाव कृष्ण जी से है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कलात्मक जुड़ाव यकीनन है। देखिए ना, ये मिनिएचर पेंटिंग्स में कृष्ण जी की कितने खूबसूरत तस्वीरें बनाई जाती हैं, कांगड़ा मिनिएचर्स। अभी हिज होलीनेस दलाई लामा यहाँ रहते हैं, इसके कारण बहुत सारे बौद्ध धर्म के भी मंदिर यहाँ है। ये तो रही इस किले की बात, इतिहास इसका। अब लेकिन इसके नाम से एक और कहानी जुड़ी है। एग्जाम्पल कनिंघम, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी आज से करीब 150 साल पहले, वो देश भर में घूमे, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग जगह देखी, और वो कांगड़ा भी आए। अपने कांगड़ा के अनुभव को लिखते हैं कि कांगड़ा में खास स्किल वाले लोग रहते हैं, और वो स्किल था सर्जरी का। और छोटी मोटी सर्जरी नहीं, उस तरह की खास प्लास्टिक सर्जरी। वहां के सर्जन कान और नाक की मरम्मत करने के लिए मशहूर थे, और इतने मशहूर थे कि उत्तर भारत से ही नहीं बल्कि काबुल और नेपाल से भी लोग अपने कान और नाक की मरम्मत कराने आया करते थे। मरम्मत यानी कि ठीक कराना, अगर वो बिगड़ गए हैं तो। और इसी तरह से इस जगह का नाम पड़ा कांगड़ा। कांगड़ा क्योंकि कान को उन्होंने गड़ा, कान को उन्होंने ठीक करा, तो जगह का नाम पड़ा कांगड़ा। अब गाड़ के रखिए अपने कान, ऐसी कहानियां और आएंगी हमारे साथ डली बाई फुट के साथ। देखते रहिए आगे और चलते रहिए हमारे साथ।